Yes, boss. Meera? Meera, I want to hear in a minute. Oh. Immediately, Meera. Oh, oh, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाई, चिल्लाएगा नहीं तो ये साबित कैसे करेगा कि इस घर में ये तुम्हारा बॉस है? Excuse me, मैं अपनी बीवी से एक पति की हैसियत से बात कर रहा हूँ, okay? अरे उतनी हैसियत है ना तुम्हारी? मीरा के पति के अलावा तुम हो क्या? मैंने बात करने दो या नहीं तुम यार? एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या बात है मोहन, क्या बात है? मीरा, मैंने एक फैसला किया है. क्या? कि आज के बाद तुम वर्मा साहब से अपनी तारीफ नहीं सुनोगी. जब वो तुम्हारी तारीफ करेंगे तुम कह दोगी सर मुझे अच्छा नहीं लगता. अरे किस औरत को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी तारीफ करे? मेरा ये सब स्किन की वजह से, सब इनकी वजह से है. ये मैंने जिंदगी में पहली माँ देखी है जो अपनी बेटी को पराए मर्द से बात करने के लिए एनकरेज करता है. अरे वो पराया मर्द थोड़ी है, वो मेरा वर्मा बेटा है, तुम्हारा बॉस. जैसे तुम वैसा वो. तुम बताओ, अगर बॉस मेरी तारीफ करे तो मैं क्या करूँ? कान पे हाथ रख लूँ? नहीं, देखो जब तुम्हारी तारीफ करते हैं ना वो कि मीरा जी यू लुकिंग फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, तुम थैंक यू क्यों बोलती हो थैंक यू इसके जवाब में? ये सब मैनर्स की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी. एंड सुनो, एक बात सुनो मेरी, वो मेरे बॉस हैं, मैं उन्हें डांटने से रोक सकती हूँ, तारीफ करने से नहीं. ये बात तो आज के बाद मैं भी तुम्हारी तारीफ करूंगा. दफ्तर में उठते बैठते आते जाते तुम्हारी तारीफ के पुल बांधूंगा. करो भाई करो, मेरे सामने कभी तो मेरी बेटी की तारीफ करो, मैंने तो नहीं सुना आज तक. सुनो मीरा, तुम कितनी खूबसूरत औरत हो, कोई माई का लाल ये कह ही नहीं सकता कि तुम इस सड़िया. क्या 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 कह रहे हो तुम? तारीफ कर रहा हूँ उसका. अरे यार, पहुंची क्या हुआ? क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों नजर आ रहा है? एक बात बता तनवीर, तूने आज तक किसी औरत की तारीफ की है? अरे बाप रे, अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और औरत की तारीफ करने की हिम्मत नहीं. मतलब तू भी मेरी तरह भोला ही निकला यार. सद्दू, तूने की है तारीफ? हाँ, आज सवेरे बस से आते हुए की थी. किसकी? बस में काफी भीड़ थी, एक औरत बैठी हुई थी. मैंने कहा अब बैठी हुई बहुत अच्छी लग रही है, उसने उठ के एक थप्पड़ मारा, मुझे बैठने को सीट मिली. मैं किसी अनजानी औरत की बात नहीं कर रहा, किसी जानी पहचानी औरत की तारीफ की है तूने आज तक कभी? मोहन जी, ऐसी कौन सी औरत है जिसकी तारीफ करने के लिए आप इतने बेताब हो रहे हैं? अपनी बीवी की तारीफ करना? नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, वरना मीरा मैडम समझेंगी कि तेरा बाहर कहीं चक्कर चल रहा है. तनवीर, तुम भी ना मोहन जी को हमेशा उल्टी पट्टी बढ़ाते रहते हो. मैं बताती हूँ एक औरत की तारीफ किस तरह की जाती है. किस तरह? किस तरह? देखिए मोहन जी, अगर एक औरत ब्यूटीफुल है तो उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करिए, और अगर वो ऑर्डिनरी है तो उसकी ब्यूटी की, और अगर वो बदसूरत है तो? तनवीर, कोई भी औरत अपने आप को बदसूरत नहीं मानती. नीता, तुम तो बड़ी स्मार्ट हो यार, तुमसे तो बहुत कुछ सीखना. गुड मॉर्निंग मेरा जी. आइए सर, उनसे कहो कि मैंने बुलाया अपने केबिन में, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. अभी बुलाता हूँ सर. मोहन जी, वो ब्यूटी एंड द बीस के जो टेंडर पेपर्स हैं वो आप फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं? सर वो वीपी साहब फॉलो कर रहे हैं. और आप क्या कर रहे हैं? मैं फॉलो कर रहा हूँ कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और मैं ये फॉलो कर रहा हूँ कि आप सिर्फ फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. अगर हमारी कंपनी आज घाटे से गुजर रही है तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू. अगर हमारे हाथ से ये 20 करोड़ का प्रोजेक्ट गया ना मोहन जी, देन यू विल बी वेरी 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 सॉरी. यू अंडरस्टैंड? सर दफ्तर में और भी कितने लोग हैं, लेकिन आपको सिर्फ मैं ही मिलता हूँ चिखने के लिए, चिल्लाने के लिए. बिकॉज आप है जो कि निकम्मे, गुड फॉर नथिंग. यू गॉट समथिंग, यू आर नथिंग हियर, योर माइंड एंड यू आर. ओह माय गॉड, आई एम स्कैंडिंग. ओह माय गॉड. आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है. तकलीफ? मीरा जी, आपके लिए जान हाजिर है. यू आर अ मोस्ट ब्रिलियंट वुमन. इसके बाद आप मेरी तारीफ में एक शब्द नहीं बोलेंगे, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे. मीरा जी, आप हसीन हैं, आप खूबसूरत हैं, आप चार्मिंग हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप ब्रिलियंट हैं. मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बयान कर रहा हूँ. सर जो भी है सर, आज के बाद अगर आपने मेरी तारीफ की सर, मैं आपके कैबिन में आना बंद कर दूंगा. आप मेरी तारीफ पर थैंक यू बोलते थे, लेकिन आज ये चेंज क्यों? कहीं कि आपके हस्बैंड ने इस बात को लेकर आपको डांटा तो नहीं ना मेरा जी? सर वो डांटते नहीं है, बस कभी कभार थोड़े से जल जाते हैं. सच कहूं, उनकी पूरी तरह जलने की उम्र है जी. आई वांट टू से कि बुढ़ापे में लोग जल्दी जल जाते हैं ना, दे फील जेलस. एक्सक्यूज मी मैम, एक उस चेक साउंड साइड पर आए थे. हां, आप मेरे केबिन में क्यों नहीं आते? ओके, मैं वहां वेट करता हूं. कोई जरूरत नहीं मेरा जी, साइन कर दीजिए ना. आगे यहां पे तो प्लीज. ओ मैम, कितनी बढ़िया
नेल पॉलिश कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। लुकिंग सो नाइस। और रियल सेंस में आपकी फिंगर्स लेडी फिंगर्स लग रही हैं मैडम। थैंक यू सो मच। ये क्या है मैडम, पन्ना है या पकड़ा है? ये सॉल्टी। और ये आपने गले में पहन रखा है ये? साउथ सी पर्ल्स। साउथ सी मतलब नॉर्थ में नहीं मिलता। घर तक ये परफ्यूम लेके जाऊंगा आपकी। ये परफ्यूम घर जाए ना जाए, लेकिन आप आज शाम से पहले घर जाएंगे, समझे आप? मैं खाली मैडम की तारीफ कर रहा हूँ। आपकी औकात नहीं तारीफ करने की मैडम, समझे आप? सर मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, आप तो तारीफ करते करते हाथ पकड़ लेते हैं। जो आपने कहा ना इस वक्त, I'll make you pay for it. Penny by penny. ये बैंक ने भी ओवरड्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया, क्या करूँ? क्या हुआ? सर आपको मोहन जी के खिलाफ अभी इसी वक्त एक्शन लेना होगा, सीरियस। क्यों, क्या किया मोहन जी ने? ये ब्यूटी एंड द बीस्ट टेंडर का काम छोड़ के ऑफिस की औरतों की तारीफ करते फिर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, औरतों की नहीं, सिर्फ एक औरत की। मैंने सिर्फ एक अदद औरत की तारीफ की है। किसकी? जिसकी वर्मा साहब हमेशा तारीफ करते हैं। ओ मीरा जी की? अरे वो तो है ही काबिले तारीफ। सर इनको देखिए, इनकी औकात को देखिए और इनकी इनकी तारीफ करने की जरूरत को देखिए। सर जी मैं बात बात में मीरा मैडम का हाथ भी पकड़ लेता हूँ आपकी तरफ। आप मीरा मैडम का हाथ पकड़ दे रहे थे? नहीं सर, मैं तो कॉफी पीने के लिए उनसे आग्रह कर रहा। और हाथ पकड़ के? सर देखिए आप मेन मुद्दे से भटक रहे हैं। क्या है मेन मुद्दा? कि इनको क्या हक पहुंचता है कि मीरा जी की तारीफ करें ये? मतलब सर आप इस कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर हैं, तो आपको हक पहुंचता है कि आप दफ्तर में किसी भी औरत का हाथ पकड़ ले, उसकी तारीफ करें। हम जूनियर हैं, तो हमको हमको कोई हक नहीं है। एक मिनट, मीरा जी आ गई है। मीरा जी बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। सर मैं क्या बताऊं सर, मैं इन बातों से तंग आ गई हूं सर। मतलब आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ये दोनों इस बात को लेकर झगड़ते रहते हैं सर, इस बात से मैं भी तंग आ गया हूं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आज के बाद अगर आप दोनों में से किसी ने भी मीरा जी की तारीफ की तो हर तारीफ पे 500 रुपए आपके सैलरी से काट दिया जाएगा बतौर फाइन। सर सर ऐसा जुल्म मत कीजिए सर, मैं मर जाऊंगा सर, मैं गरीब आदमी हूं, मैं छोटा सा आदमी हूं सर, मेरे मेरे हाथ में जो कट कटा के सिर्फ 500 रुपए आते हैं, तो अगर काट लेंगे मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? मैं रोड एक मांग लीजिए ना, अगर फैमिली के बारे में इनसिक्योरिटी है तो चोंच बंद रखिए, मत बोलिए। आई विल से आई विल डू व्हाटएवर आई वांट बिकॉज़ आई अफोर्ड, आई कैन रियली अफोर्ड। ओके वर्मा जी, मोहन जी आपकी सैलरी में से 50 रुपए कटेंगे और आपकी सैलरी में से 500। दिस इज अनफेयर। व्हाई अनफेयर? आपने कहा ना यू कैन अफोर्ड इट। कॉर्नर मी, एक्सक्यूज मी मीरा जी, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। I'm really sorry. Sir, it's all right, sir. मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मीरा जी ये तो आपका बड़प्पन है। काटिए 500 रुपए, काटिए 500 रुपए। ये तो आपका बड़प्पन है, ये एक तारीफ करने वाला वाक्य है। Excuse me. ये तारीफ नहीं है, ये डिसेंसी है, ये मैनर्स है, ये एटिकेट्स है। सर एटिकेट और मैनर की आड़ में आप कितना कुछ कर जाते हैं। बस 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 500 रुपए काटो। जाहिलों में फंस गया हूं। वैसे मीरा जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। सर 500 आपके भी कटेंगे, ये रोल मुझ पे लागू नहीं होता। थैंक यू सर। क्या मीरा जी की तारीफ करने पर विनोद के 500 रुपए कट जाते? यस मैडम, वो तो मैंने उनको रोक लिया, वरना वर्मा साहब तो कंगाल हो जाते। कंगाल? कंगाल क्यों मैडम? वो इतनी तारीफ करते हैं, इतने सेंटेंसेस यूज करते हैं कि मैडम करते करते उनका प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये बंगला सब कुछ बिक जाएगा। मैडम मैं डरता हूँ आपके गहने ना बिक जाएंगे। ओह माय गॉड, ये आदमी मोहन जी कब सुधरेगा, कब सुधरेगा? वैसे क्या क्या तारीफ की मैडम? एक सेंटेंस हो तो बताऊँ, हजारों हजारों। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गिनिए गिनिए गिनिए। मीरा जी Your eyes are stunning. -5. Meera ji, you're looking gorgeous. -1000. Meera ji, you're looking fantabulous. -1500. Meera ji, your dressing sense is mind blowing. -2000. Meera ji, you are this, you are that, and so on and on. And minus. Mohan ji, आपको पता है, इसमें से एक भी तारीफ कभी विनोद ने मेरे लिए नहीं करी। अगर की होती ना तो मैं विनोद को इंक्रीमेंट देती। मुझे सब कुछ बता दिया, तुम हर बार मीरा जी की तारीफ करते हो और तुम्हारे 500 रुपए कट जाते हैं। जहर उगल दिया, शांति मिल गई आपको? सर अगर मैं जहर नहीं उगलूंगा तो किसका नुकसान होगा? आप लोगों का। अरे आप लोग कंगाल हो जाएंगे, बेचारी मैडम कहाँ जाएगी उधार मांगने, मेरे पास ही आएगी ना। और आप कहाँ से लाएंगे भीख मांगने के सिग्नल पे खड़े हो?
पांच मिनट की औकात नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। सर मेरा डेली खर्चा 5 रुपए है, लगता है आपकी शक्ल को देख लगता है। Just stop it, Vinod! Just because उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो इनके साथ। क्या उन्होंने ये बताया कि ये भी मीरा जी की बहुत तारीफ करते हैं, दिल खोल के तारीफ करते हैं, बताया उन्होंने? What? आप भी तारीफ करते हैं? बताइए, बोलिए, बोलिए मुझे, बोलिए। मैडम मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन करता हूँ इनको जलाने के लिए। You're lying. अब झूठ बोल रहे हैं। You're lying through your teeth. I didn't expect this from you, Monji. निकल जाइए, मेरे घर से निकल जाइए। आपके मार के बाहर निकालो इनको। Just get out of my house. Get out. और सुनिए, कल दोपहर को मुझे फोन कीजिए। What? चिपड़ी? वर्मा जी, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट का टेंडर कल तक पहुंच जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपको मदद करेंगे मीरा जी और मोहन जी। मीरा जी मेरे लिए काफी है सर। पक्का? 100%, बिकॉज मीरा जी एक ऐसी औरत है जो कि ब्रिलियंट है इस ऑफिस में। 5 रुपए कटे सर, अभी इन्होंने कहा कि मीरा जी एक ब्रिलियंट औरत है। तो सच बात तो कही है, मीरा जी है ब्रिलियंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड। तो मैं क्या कह रहा था सर कि मैं और मीरा जी इस टेंडर पे एक्सक्लूसिवली काम करना चाहते हैं सर। तो फिर मैं क्या करूंगा? जब टेंडर कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप देख आइए। मतलब मैं दफ्तर में खाली एक डिलीवरी बॉय बन के रह गया सर? आप नहीं, भी कुछ नहीं। मोहन जी प्लीज प्लीज, जब टेंडर खत्म हो जाएगा ना एक नजर आप उस पर डाल दीजिए। ओके मैडम, सो काइंड ऑफ यू। एक्चुअली मैं आपकी दरिया दिली का कायल हो गया। 50 सर, ये बात गलत है सर, ये ऑफिशियल है सर। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ सर। अभी आपने इनको फ्री दिया ना, तो मुझे एक फ्री दीजिए। ओके सर, सर प्लीज, ये ब्रिलियंट, ये दरिया दिली सर, आई एम वेरी एम्बैरस्ड, मैं अपने कैब में जाऊँ। मेरा जी ये आदमी आपकी सहनशीलता का फायदा उठा रहा है। सहनशीलता? तो मतलब मीरा जी में सहनशीलता भी है? जी हाँ, इनमें इंसानियत है, इनमें हमदर्दी है। 1500 कट गए आपके वर्मा जी। किस बात की सर? आपने 3 बार तारीफ की, सहनशीलता, हमदर्दी और इंसानियत। अब खाली इतना बता दीजिए सर कि ये जो कटे हैं पैसे, ये कैश में देंगे या फाइनल चेक में ही कटवाएं? क्रेडिट कार्ड से दूंगा। सर आपने बुलाया सर? सर तारीफ नहीं, तारीफ नहीं सर, तारीफ। मीरा जी मैं आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता, I'm sorry. लेकिन सर अगर आप तारीफ करेंगे सर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर, आपको फाइन हो जाएगा, आपकी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे। मीरा जी मैंने उसका तोड़ निकाल लिया है, मैंने आपकी तारीफ करने के लिए कोड लैंग्वेज डेवलप की है जी। हाँ, अगर मैं आपको बोलूंगा होर्डिंग तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सुंदर हैं, और अगर मैं बोलूंगा टेंडर इसका मतलब ये कि आई एम मिसिंग, और अगर मैं ये बोलूंगा कि स्टोरी बोर्ड तो समझ जाइएगा कि मैं आपको रात को खाने पर। और मैं आपकी खुल्लम खुला तारीफ करूंगा कोई समझ नहीं पाएगा मेरा जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल आई विल ट्राई सर। आपकी कॉपी है इसे रख लीजिए, याद करिए। ओके ओके मेरा जी जी, होर्डिंग। Remember, she's intelligent. She'll remember. Vinod, अरे ये क्या कर रहे हो डार्लिंग? मैगजीन क्यों पढ़ रहे हो? रात हो गई है, टाइम हो गया, मीरा जी को फोन करो ना, फोन करो, लो लो फोन करो। ओह आई एम सो सॉरी, पीपी साहब ने तुम्हारी बोलती जो बंद कर दी है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम सोती बड़ी अच्छी लगती हो, जा जाके सो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं विनोद, तुम्हारी ऑफिस में जो रूल लागू है ना वो सारी ऑफिसेज में लग जाना चाहिए। क्यों? देश की इनकम बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। वो कैसे? तुम्हारे जैसे लोग फाइन के डर से काम करना शुरू करेंगे और फ्लर्टिंग करना बंद कर देंगे। अरे फ्लर्टिंग से मुझे याद है, मुझे मीरा जी को फोन करना है। ए सावधान, कहीं फाइन दे दे देते ये महीने की सैलरी गुल ना हो जाए। हेलो। हाँ मीरा जी, मैं विनोद बोल रहा हूँ। ओह हेलो सर। देखिए वो जो महाबलेश्वर का होर्डिंग है ना, उसकी लोकेशन ठीक नहीं है, मेरा ख्याल लोकेशन चेंज कर जी। और टेंडर का क्या हुआ, आपने फॉलो अप किया? मैं तो बहुत टेंडर कर रहा हूँ, बहुत टेंडर कर रहा हूँ। और वो स्टोरी बोर्ड के बारे में एक काम करेंगे कि कल मैं और आप सवेरे डिस्कस कर लेंगे स्टोरी बोर्ड। हाँ आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर मैं समझ गई हूँ। ओके बाय बाय। ओके बाय। ये क्या देख रही हूँ मैं? The first time, तुम काम की बात कर रहे हो मीरा जी के साथ? भी तुम्हारे लिए मैंने फालतू बात करना छोड़ दिया मीरा जी से। Only official बात करता हूँ बस। मेरे लिए? टेंडर, होर्डिंग, स्टोरी बोर्ड, ये वर्मा ही था ना? जी हाँ, ये वर्मा साहब ही थे। आजकल वो मुझसे सिर्फ ऑफिशियल बात ही करते हैं। Oh my God, ये क्या हो गया वर्मा साहब को? ये हो क्या गया है? मैं आंसू? नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। वर्मा साहब मैं आपको कितना गलत समझा था। हे भगवान, ये आदमी कितना अच्छा है, ये तो
ऑफिशियल आप मेरे खिला रहे हैं। सॉरी वर्मा, सॉरी। हाय गाइस एंड गर्ल्स। मोहन जी आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। वर्मा साहब ने मुंबई छोड़ दिया। मीरा मैडम की तारीफ करना। You got it. You hit the nail on the head. वर्मा साहब ने मीरा की तारीफ करना बंद कर दिया भाई। आजकल तो खाली ऑफिशियल लिंगो का इस्तेमाल हो रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट्स ऑल। ये बात है मोहन जी, आपकी तरफ से पूरे ऑफिस में लड्डू बांटूंगा। बांटो 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 बांटो। पैसे मत लेना मेरे से। हे भगवान, तूने बड़ी मुश्किल से कुत्ते की पूंछ सीधी की है, अब इसको सीधा ही रखना भाई। मोहन, मोहन एक प्रॉब्लम। क्या हो गया यार? मुझे वर्मा साहब की कोड लैंग्वेज मिल गई है। कौन सी कोड लैंग्वेज? दिखाओ यार। टेंडर इज इक्वल टू मीरा जी आई एम मिसिंग अ चीज। होर्डिंग इज इक्वल टू आप बहुत सुंदर हैं मीरा जी। माय गॉड, स्टोरी बोर्ड इज इक्वल टू मैं आपको डिनर पे ले जाना चाहता हूं मीरा जी। गॉड, मतलब वर्मा के बच्चे ने मीरा की तारीफ करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। वही तो। दिस इज नॉट टू मी। फालतू बातों में वक्त जाया करने से बेहतर है कुछ काम कीजिए। टेंडर भेजा आपने जो मैंने कहा था आपसे? सर वो मेरी टेबल पे आएगा तो मैं उसको हर चीज में ला के आपके हाथ में तवाब करेंगे। Come on, get going fast, बहुत अर्जेंट है वो। सर आप यहाँ हैं? सर बीबी साहब पूछ रहे थे टेंडर भेज दिया आपने? मैं आपके सामने इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ भेजने के। ये हर काम अपने हिसाब से करते हैं, अपनी स्पीड से करते हैं। अब बाय द वे मीरा जी, आपके होर्डिंग को देख के लग रहा है कि आज शाम को आपके साथ ना स्टोरी बोर्ड डिस्कस करना है। और अगर आप मेरे साथ वो स्टोरी बोर्ड डिस्कस नहीं करेंगी मीरा जी, तो मैं आपको बहुत टेंडर। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या कहा। आई अंडरस्टूड सर, मैं आती हूँ। आई एम श्योर। ये क्या कुछ कुछ हो रही है? कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। काम कीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। हां यस सर, यस सर। समझा वीर? नहीं, ये कोड वर्ड में मीरा मैडम बोल गया सब कुछ। क्या देखो बोला? मीरा जी आप बड़ी होर्डिंग लग रही हैं, यानी कि आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। आज शाम को मैंने स्टोरी बोर्ड करना है आपके साथ, यानी कि आज शाम को मैंने डिनर करना है आपके साथ। वरना मैं आपको बहुत टेंडर करूंगा, बहुत मिस करूंगा। मैं समझा था कि आप सुंदर हैं, लेकिन नहीं, ये आदमी शातिरों का शातिर है। मीरा जी ये सब छोड़िए, ब्यूटी एंड बीस्ट का टेंडर गया कि नहीं? क्या कर रहे वर्मा जी, वो टेंडर भेजा कि नहीं? मैंने मोहन जी को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, मीरा जी को मालूम है सर। सर मैं आपको बता रही थी, वर्क इज इन प्रोग्रेस सर, डोंट वरी। सर टेंडर मैंने भेज दिया है और ये रही कुरियर रिसी। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। थैंक यू वेरी मच सर। द क्रेडिट गोज टू मीरा जी, शी इज रिस्पांसिबल। सर टेंडर मैंने भेजा। शट अप। मीरा जी अगर एक बार टेंडर पास हो जाएगा तो फिर हमें वो स्टोरी बोर्ड में डिस्कस करना पड़ेगा और फिर वो जो होर्डिंग है उसको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा ना मीरा जी। तीन बार आपने मीरा जी की तीन बार तारीफ की, आपकी सैलरी में से 1500 रुपए और कट गए। How can you say that सर? मैंने कोई वर्ड यूज ही नहीं किया तारीफ का। I have not used a single word। मैंने कोई यूज किया वर्ड तारीफ का? सर आपने टेंडर नहीं यूज किया, स्टोरी बोर्ड नहीं यूज किया, तो होर्डिंग नहीं यूज किया। ये हमारी एड लैंग्वेज है। नहीं सर, ये आपकी कोड लैंग्वेज है जो हमने पढ़ ली है और डिसाइफर कर ली है। ये देखिए आपके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, टेंडर इज मिसिंग यू, होर्डिंग मींस आप हर कुछ खा से मिला। वेरी गुड, फ्रॉम यू गुड। सुनिए सुनिए सुनिए, ये मंथ आपकी सैलरी में से फाइन काट करके आपकी सैलरी बनती है 450 रुपए, यानी मुझसे 50 रुपए कम। क्या कर रहा है? अब मैं जान से मारूंगा। अब